हमारे बीच हैं चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। इनका सीरियल चाणक्य जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा है और हर कोई इनको उस नाम से विशेष रूप से जानता है। हालांकि कई विधाओं में ये इन्हें महारत हासिल है और उन्हीं से पूछते हैं उनका कैसा अनुभव रहा रायपुर साहित्य महोत्सव में। सर कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा, इसका एक बड़ा उल्लेखनीय हिंदी के लिए, देश के लिए तो बहुत उल्लेखनीय आयोजन सही है। हिंदी साहित्य को लेकर मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहली बार कोई आयोजन है, इसलिए मैं किसी भाषा से ऋषय या स्पर्धा नहीं कर रहा हूँ, पर हिंदी को लेकर एक आत्महिंता की ग्रंथि हम लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। इस तरह के आयोजन से पहली बार देश के बड़े बड़े साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार, नवोदित साहित्यकार सभी एक मंच पर आए और वो मंच छत्तीसगढ़ ने, रायपुर ने उनको दिया। जी पूरा सर, अगर हम बात करें कई सत्र थे और हर बार ये कोशिश ये की गई कि इस पूरे 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में कोई भी विधा छूट ना पाए, इस पर इसे लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा आयोजन था। मैं चूँकि क्यूरेटिंग कमेटी में समिति में भी था, इसलिए मैं देख भी आया। कई लोगों से कई प्रकार के विचार मिले हैं, तो जाहिर है कि अगले सुझाव दिए जाएंगे और अगले वर्ष या भविष्य होने वाले आयोजन में हम सारी वस्तुओं को शामिल करेंगे। जैसे एक कुछ सूरी जी ने यह बताया कि भारत के इतिहास को लेकर, भारत के अतीत को लेकर, पुरातत्व को लेकर, महाकाव्यों को लेकर भी कोई सत्र हो सकता है, हो सकता है अगली बार वो भी सत्र में शामिल। तो द्विवेदी जी का कहना है कि ये बहुत ही शानदार आयोजन है जिसमें हिंदी को लेकर के ये जो पहल की गई है इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आएंगे और जो कुछ भी अगर सुझाव यहाँ पर मिल रहे हैं उसे आगे चलकर उसे पूरा किया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल।